क्या आप भी बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाके अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट करना चाहते हैं एंड कंफ्यूज है राइट नाउ कि इटली में अप्लाई करूं, जर्मनी में अप्लाई करूं, दोनों के अपॉइंटमेंट के इश्यूज चल रहे हैं? तो ऐसी स्टेज पे, ऐसी जगह पे मैं आपके लिए एक ऐसा कंट्री लेकर आया हूं जिसमें आप अपना केस खुद प्रोसेस कर सकते हैं एंड ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये कंट्री फेमस है फॉर इट्स रिच कल्चर, यहाँ की एजुकेशन जो है वो टॉप क्लास है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज टॉप क्लास है, यहाँ पे जॉब्स की आपके पास बेताशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड सबसे बड़ी बात कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अफोर्डेबल है। यहाँ पे जो फीस है वो आपको 250 यूरो से देखने को मिलती है एंड ये 3,350 यूरो 3,500 यूरो के बीच में आप अपने लिए कोई भी कोर्स, कोई भी यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। इस अमेजिंग कंट्री की अगर हम वीज़ा रेशो की बात करें तो वो भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है, मोर देन 90% चांसेस होंगे कि आपका वीज़ा लग जाए। इस अमेजिंग कंट्री का नाम फ्रांस है। आई एम श्योर इसके हवाले से आप पहले भी बहुत सारी जगहों पे इंफॉर्मेशन देख चुके होंगे बट आज मैं आपके लिए एक कंप्लीट गाइड लेकर आया हूँ जिसमें 5 सिंपल स्टेप्स में आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि इस कंट्री में खुद आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे एडमिशन लेना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कौन कौन से स्टेप आपको करने पड़ेंगे एंड बड़ी ही यूजफुल होगी ये वीडियो आपके लिए। अगर आप फ्रांस में अप्लाई करना चाह रहे हैं इन 2025, मेक श्योर कीजिएगा कि आप ये वीडियो एंड तक देखें एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। आजकल मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो जब यूरोप को टारगेट करते हैं तो उनकी लिस्ट पे दो कंट्रीज टॉप पे होते हैं, नंबर 1 जर्मनी, नंबर 2 इटली। ये दो कंट्रीज टॉप पे होने की वजह जो है वो ये है कि भाई फ्री एजुकेशन है एंड यहाँ पे टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट करती हैं, तो स्टूडेंट्स का ये मानना होता है कि एक तो एजुकेशन एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट हमें पड़ जाएगी, सेकेंडली हम अगर टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होंगे तो ये चीज़ हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। बट यहाँ पे जो मसला आता है कि इन दो कंट्रीज़ के अपॉइंटमेंट्स के बहुत इश्यूज चल रहे हैं। अगर हम जर्मनी को देखें तो आप अगर पहले 2 मिनट के अंदर नहीं अप्लाई करते जब अपॉइंटमेंट्स ओपन होती हैं तो उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती। इटली के केस में आपको सालों सालों वेट करना पड़ता है, आपका इवन एडमिशन लेटर एक्सपायर हो जाता है बट आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में एक और कंट्री स्टूडेंट्स की अटेंशन ग्रैब कर रहा है एंड वो कंट्री फ्रांस है, बिकॉज ये कंट्री आपको एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट आपको हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफर करता है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट करती हैं एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का फ़ायदा ये होता है कि उनमें आपको फीस कम देखने को मिलती है। राउंड अबाउट 80-85 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है एंड उनमें आपको डिफरेंट कोर्सेज नज़र आते हैं। नो मैटर आप जौन सा मर्जी कोर्स करना चाह रहे हैं आपको वो फ्रांस में मिलेगा एंड दैट टू इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो बढ़ते हैं हमारे पहले स्टेप की तरफ एंड जो पहला स्टेप है दैट इज़ के कोर्स सिलेक्शन। आपने फ्रांस में, जाहिर सी बात है किसी भी कंट्री में आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सी डिग्री करना चाह रहे हैं, कहाँ से कहाँ कहाँ वो डिग्री आपको अवेलेबल मिल रही है एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल मिल रही है। फ्रांस में आपको कोर्सेज इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, उसके लिए आप वैसे भी गूगल कर सकते हैं बट यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट रिकमेंड करूँगा जिसका आप यूज़ कर सकते हैं कोर्स सिलेक्शन के लिए। इस वेबसाइट पे मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे आपको थंबनेल शो हो रहा होगा। ये वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब ये कैंपस फ्रांस की वेबसाइट है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। आपको ऐसे नंबर ऑफ कोर्सेज लिस्टेड नज़र आएंगे जो डिफरेंट फील्ड से होंगे, उसमें से जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसको शॉर्ट लिस्ट कर लें। इस वेबसाइट पे आप फिल्टर्स वगैरह भी लगा सकते हैं, आप अकॉर्डिंगली अपने लिए एक अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी, एक अफोर्डेबल कोर्स ढूंढ सकते हैं। इसकी डिटेल में आज की वीडियो में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे बिकॉज टाइम हमारे पास शॉर्ट है एंड हमने पूरा प्रोसेस कवर करना है। सो इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से वो वीडियो जाके चेकआउट करें। एक बार आपने कोर्स सिलेक्शन कर ली उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है कि भाई उस स्पेसिफिक कोर्स में जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। यहाँ पे अप्लाई करने के दो तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 जो तरीका है दैट इज़ के आप डायरेक्टली इस कैंपस फ्रांस की वेबसाइट से यूनिवर्सिटी पेज पे चले जाएं, वहाँ से आप अप्लाई कर लें।
इस तरीके को हम नाम दे देते हैं कि आप यूनिवर्सिटी पोर्टल का यूज कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए। सो ये एक पहला तरीका हो गया। सेकंड जो तरीका है दैट इज कि आप मून मास्टर का यूज करें। मून मास्टर बेसिकली एक सर्विस है जो कि स्टूडेंट्स को ये सर्विस दे रही होती है कि उसके थ्रू स्टूडेंट्स पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑफ फ्रांस में अप्लाई कर सकें। सो आप या तो यूनिवर्सिटी पोर्टल का यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन केस आपको वहाँ से एडमिशन नहीं मिल रहा, आपको वहाँ पे एडमिशन की कोई ऑप्शन नहीं मिल रही, सो उस केस में फिर आप मून मास्टर का यूज़ कर सकते हैं। सो ये दो वो रास्ते हैं, वो सोर्सेज हैं जिनका आप एडमिशन स्कोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एंड उन डॉक्यूमेंट्स में जो पहला डॉक्यूमेंट है दैट इज कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट के बाद आपके पास आपके सारे एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, आपके पास आपका एफएससी का एफएससी की डिग्री उसकी मार्कशीट, आपके पास मैट्रिक की डिग्री उसकी मार्कशीट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें आपके पास अटेस्टेड होने चाहिए। जो आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, जो फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपकी जो बैचलर्स है वो HEC से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड होनी चाहिए। एंड अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो आपकी जो FSC हो गई, आपकी मैट्रिक हो गई, वो आपके पास अटेस्टेड होनी चाहिए बोर्ड से, IBCC से एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। मास्टर्स के केस में भी ये डिग्रीज भी आपको अटेस्ट करवानी पड़ती। आफ्टर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे चाहिए हो रही होगी एक CV। CV आपके पास यूरोपास के फॉर्मेट में होनी चाहिए। आप इस स्पेसिफिक वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। आप इस वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे एक अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने का बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, आपको ईमेल प्रोवाइड करनी पड़ती है, नंबर प्रोवाइड करना पड़ता है एंड आपका अकाउंट बन जाता है। यहाँ पे एक बार आपका अकाउंट बन जाए, आपके पास यूरोपास CV का की ऑप्शन आ रही होती है, आप उस पर क्लिक करें, अपनी डिटेल्स एंटर करते जाएं, अपनी पर्सनल डिटेल्स हो गई, आपकी एकेडमिक डिटेल्स हो गई, आपके एक्सपीरियंसेस हो गए, जितना भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है अगर कोई एग्जिस्ट करता है, आपके रिकमेंडेशंस हो गई, आपने कोई सेमिनार्स अटेंड किए हैं, कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल करें। एट द एंड ये आपको यूरोप स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली एक CV जनरेट करके दे देगा। आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लें एंड अकॉर्डिंगली अप्लाई करते हुए आपने उसका यूज़ करना है। बिसाइड CV यहाँ पे आपको कवर लेटर चाहिए होगा, एंड कवर लेटर के बाद यहाँ पे आपको IELTS की भी ज़रूरत पड़ सकती है। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ IELTS नहीं डिमांड करती, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। IELTS का जो मिनिमम क्राइटेरिया जो आपको मीट करना पड़ेगा अगर आपकी यूनिवर्सिटी वो रिक्वायर कर रही है तो दैट इज़ 6 बैंड्स, एंड इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। जिन यूनिवर्सिटीज़ में IELTS की ज़रूरत नहीं होती एंड आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कोई टारगेट कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में सॉरी कोर्स टारगेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको EPC की ज़रूरत पड़ेगी। EPC स्टैंड्स फॉर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट बेसिकली आपको जो आपकी आपका प्रीवियस इंस्टीट्यूट होता है वो जनरेट करके देता है। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट आप अपने कॉलेज से जनरेट करवाएं। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट आप अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से जनरेट करवाएंगे। इस सर्टिफिकेट में बेसिकली ये होता है कि जो आपका प्रीवियस इंस्टीट्यूट होता है वो टू योर फ्यूचर इंस्टीट्यूट ये बता रहा होता है कि ये स्पेसिफिक बच्चा, इसने हमारे पास ये XYZ कोर्स अटेंड किया था एंड इस कोर्स के दौरान इसकी जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी वो इंग्लिश में थी, एंड ही और शी कैन रीड राइट एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल। ये आपको चाहिए हो रहा होगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट उन यूनिवर्सिटीज़ में जिनमें IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे बिसाइड दिस आपको 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस चाहिए हो रहे होंगे। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आप अपने दोनों रिकमेंडेशन लेटर्स अपनी यूनिवर्सिटी से बनवाएं। अगर आपका किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस एग्जिस्ट करता है एंड एक्सपीरियंस किसी अच्छी कंपनी में एग्जिस्ट करता है तो उस केस में आई वुड सजेस्ट यू कि आप 2 रिकमेंडेशन लेटर्स अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा लें एंड 1 रिकमेंडेशन लेटर आप अपनी वर्क प्लेस से बनवा लें, एक एडिशनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। यहाँ पे एज सच और किसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। ये सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए,
जो आपको अप्लाई करते हुए जरूरत पड़ रही होगी। सो मेक श्योर कर लें कि आप इन सारों को पहले से ही पूरा कर लें, इनको अटेस्ट करवा लें। यहाँ पे अगर हम यूनिवर्सिटी फी को डिस्कस कर लें एंड बैंक स्टेटमेंट को डिस्कस कर लें, जो कि इस पूरे प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस कैंपस फ्रांस जो मैंने आपको वेबसाइट रिकमेंड की थी स्टार्ट में यूनिवर्सिटी एंड कोर्स सिलेक्शन करते हुए, उससे आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे कोर्सेज को फिल्टर आउट कर सकते हैं जिनकी रेंज 250 यूरो से 3,000-3,500 यूरो के बीच में हो, बिकॉज ये वो अमाउंट है जो वहाँ पे आप रहते हुए जॉब के थ्रू इजीली मैनेज कर लेंगे। एंड फ्रांस में आपको अच्छी जॉब देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर स्टार्ट में ज़रूर इन्वॉल्व होगा, बट एक बार जब चीज़ आपके कंधों पे आती है तो आप वक्त के साथ सीख जाते हैं। तो लैंग्वेज इज़ समथिंग जो कि आप विद टाइम वहाँ पे रहते हुए सीख जाएंगे, एंड एक बार आपको लैंग्वेज आ गई तो ऑब्वियसली आपके पास मौके होंगे जॉब्स करने के। यहाँ पे 20 आवर्स अ वीक आपको काम अलाउड होता है, एंड ये मोर देन एनफ है आपके बेसिक एक्सपेंसेस की टेक केयर करने के लिए एंड आपकी यूनिवर्सिटी की फी को पूरा करने के लिए। यहाँ पे अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो गाइस जो बैंक स्टेटमेंट है वो ऑलमोस्ट आपको यूरोप के तकरीबन सारे कंट्रीज में सेम ही देखने को मिलती है। फ्रांस के केस में भी आपको 30 से 35 लाख की बैंक स्टेटमेंट उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ रही होगी। अच्छा, एक बार आपने अप्लाई कर दिया यूनिवर्सिटी में, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके प्रोवाइड कर दिए, उसके बाद आपका ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी जनरेट करती है। ऑफर लेटर जब आपका आता है उसके बाद आपने टूटीज इन फ्रांस की वेबसाइट पे जाना है। आपको एग्जैक्ट स्पेलिंग यहाँ पे शो हो रहे होंगे, हो सकता है मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ बिकॉज ये फ्रेंच में है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, आप जब इस यूनिवर्सिटी इस स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाएंगे यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट होने के बाद, ऑफर लेटर आने के बाद, आप जब इस स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाएंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी कि आई एम एक्सेप्टेड बाय यूनिवर्सिटी, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म में आप अपनी सारी बेसिक डिटेल्स उन्हें प्रोवाइड करेंगे, वो अगेन आपसे आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें, आपका CV, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपका ऑफर लेटर, वो सारी चीज़ें मांग रहे होंगे। आप वो सारी वहाँ पे अपलोड करें, जब आप वो अपलोड करेंगे उन्हें सबमिट करवाएं। सबमिशन के बाद वो आपकी जो भी आपने ईमेल मेंशन की है उस पर आपको एक चलान भेजेंगे। वो चलान 30,000 का होता है, 30,000 रुपीज़, नॉट यूरोस। ये 30,000 रुपीज़ के चलान का आप प्रिंट लेकर इसको किसी भी नज़दीकी बैंक में जाके इसको सबमिट करवा दें। बैंक की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आप सिर्फ इसी बैंक में जा सकते हैं, किसी भी बैंक में जाके आप उसकी सबमिशन करवा सकते हैं। एक बार आपने ये चलान जमा करवा दिया उसके बाद आपको जो रसीद मिली होगी, जो सबमिशन स्लिप होगी, आपने वो वापस आके इस वेबसाइट पे अपलोड कर, उसके बाद ये वेबसाइट आपको एक PDF जनरेट करके देगा। उस PDF का आपने प्रिंट लेना है एंड उसको अपने पास संभाल के रखना है फॉर फर्दर प्रोसेस। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको जाना होता है AEG फ्रेंच वीजा सर्विसेज पे। ये पाकिस्तान में 5 जगहों पे अवेलेबल है, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट एंड मुल्तान। इनके ऑफिसेज के एड्रेसेस आप गूगल आउट कर सकते हैं, आपको गूगल पे इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पे जाकर आपने अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लाजमी लेकर जाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका वो जो इथूडीज इन फ्रांस वाला जो PDF जो उन्होंने जनरेट करके दिया था आपको, वो लेकर जाना होता है। आपकी पेड चलान की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, आपके पास आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर होना चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास, एंड आपका पासपोर्ट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ AEG फ्रेंच वीजा सर्विसेज में लेकर जाते हैं, किसी भी इनके ऑफिस चले जाए एंड वहाँ पे आप उन्हें बताते हैं कि मुझे अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है। ये आपको एक फॉर्म देते हैं, आप वो फॉर्म फिल आउट करते हैं, इनको अलॉन्ग विद दैट फॉर्म अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाते हैं एंड उसके बाद ये आपको अपॉइंटमेंट की डेट देते हैं। इसके बाद आता है हमारा लास्ट स्टेप, AEG फ्रेंच वीजा सर्विसेज से अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको एक ऑनलाइन कन्फर्मेशन देनी होती है। आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वेबसाइट शो हो रही होगी, इस वेबसाइट पे आपने जाना है। यहाँ पे आपने एक फॉर्म ओपन करना है, शो हो रहा होगा आपको, एंड उस फॉर्म को फिल आउट करके उसके साथ जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने AEG फ्रेंच वीज़ा सर्विसेज को प्रोवाइड किए थे एंड अलोंग विद दैट स्लिप जो उन्होंने अपॉइंटमेंट की आपको दी थी, उसकी PDF कॉपी भी आपने यहाँ पे इस वेबसाइट पे सबमिट करवानी है। ये बेसिकली आपकी एक ऑनलाइन कन्फर्मेशन होती है कि आप
फ्रांस की अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, वीजा अपॉइंटमेंट, इसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट को कंफर्म कर लिया जाता है एंड जो भी आपको डेट मिली हुई है आप उस पर जाते हैं एम्बेसी में, वहाँ पे आप अपना वीज़ा इंटरव्यू देते हैं एंड अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे जाके आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे वीज़ा रेशो अच्छी है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, ऑलमोस्ट 90% वीज़ा रेशो है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे किसी किस्म का कोई अपॉइंटमेंट डिले नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाती है एंड जल्दी से जल्दी आप वहाँ पे जाके अपना वीज़ा देकर अगर आपका अप्रूव होता है आप अपनी स्टडीज़ के लिए टाइमली पहुँच जाते हैं, यहाँ पे आपको डिलेज देखने को नहीं मिलते। सो ये एक क्विक सी वीडियो थी अबाउट कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फ्रांस। मैंने यहाँ पे हर चीज़ कवर करने की कोशिश की है, स्टिल अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन में वो मुझे बताएं, मैं अपनी आने वाली वीडियोस में उस चीज़ को कवर करूं। एंड यस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइज इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।